हम खरीद से संबंधित हमारे सारे इंतजाम हैं, हमने सभी गेटों पे अपने कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुए हैं जिनका मैसेज खरीद से किसान पे जिस तारीख के लिए जो मैसेज आता है उसका हम गेट पास जनरेट कर देते हैं और उसके बाद गेहूँ की खरीद शुरू हो जाती है। किसानों के लिए यहाँ पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था है, सफाई पूरी मंडी की अच्छी सफाई है, शौचालय है, किसानों के लिए हेल्प डेस्क है, उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हेल्प डेस्क पर आके वो अपनी कोई भी उसकी क्वेरी है वो पूछ सकता है और बाकी हमारे फसल से रिलेटेड गेहूँ से सारी सुविधाएँ हैं हमारे पास सारे। दिक्कत क्या है अभी तक किसान गेहूँ लेकर नहीं पहुँचे मंडियों में? थोड़ा हमारे एरिया में हो सकता है कि अभी किसी का गेहूँ नहीं कटा हो, मतलब किसी की हार्वेस्टिंग नहीं हुई हो, नहीं तो वैसे भी लगभग 2-3-4 दिन बाद ही आता है यहाँ गेहूँ में। कई पिछले साल भी हमने देखा था, हमने देखे कुछ गेहूँ किसान यहाँ गेहूँ लेके आ गए और उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिर क्या व्यवस्था रहेगी इनके लिए? उनको जानकारी नहीं थी क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन तो उनके पास था, वो मेरे से मिले थे जी। वो बिना मैसेज के आ गए, उसी किसान को आना जिस पर जिस दिन का मैसेज आया उसी दिन आना है। अगर उस दिन उसकी फसल नहीं निकली है तो वो आपको रिशेड्यूल कर सकता है, वो अपने आप को आगे पीछे कर सकता है। अपील क्या करना चाहोगे किसानों से ताकि खरीद में कोई दिक्कत ना आए? मैं किसानों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने फसल को सुखा के लाएँ और साफ सुथरा लाएँ ताकि उनको मिल सके, उनके उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना लगे, रिजेक्शन ना हो। रणधीर सिंह जी, आप अपना गेहूँ यहाँ पर मंडी में ले आए और ये मना कर रहे हैं, आपके पास मैसेज नहीं आया? मैसेज नहीं आया और हम सुबह से यहाँ लेकर ट्रॉली खड़े हैं। अच्छा, और खट्टर साहब ने ये खुला चैलेंज कर दिया, मैं किसान अपने गेहूँ कहाँ रोकेगा, कोई मैसेज का इंतजाम नहीं होगा, खाली गेट पास कटवाओ अपना गेहूँ उतरवाओ मंडी में सरकारी रेट से। और यहाँ के जो हमें परेशान कर रहे हैं किसान ने, आरती और ये हमारी कमेटी वाले, तो ये अन्याय कब तक चलेगा? ये सरकार क्या चाहती है? सरकार खर्च क्यों लेती है? या किसान गेहूँ में कब भरेगा? नहीं, अधिकारी ये कहते पहले मैसेज जाएगा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तब किसान गेहूँ लाए, आप बिना मैसेज के ले आए हो? जी हाँ, और जो खट्टर साहब ने बोल दिया मैसेज कोई नहीं है, अब किसान का गेहूँ डायरेक्ट आएगा और मंडियों के गेट पास कटवा के तुलवाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। आप कब तक डटे रहोगे या घर जाओगे? अब देखो, हम तो यहाँ अभी डटे रहेंगे जब तक डटेंगे, परेशान तो मैं ही सुबह से, यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, सुबह से गेहूँ 7 बजे गेहूँ लेकर आए हैं, ट्रॉली है, किसान और काम नहीं क्या? जिन किसानों का मतलब जिनके रजिस्ट्रेशन पर नंबर पोर्टल पर आया है उस पोर्टल के अनुसार उनकी खेती अभी मतलब कि कटे नहीं है खेत गेहूँ। अब गेहूँ ना कटने के कारण अब वो लेकर कैसे आए, किस चीज़ को लेकर आए? हमने ये डिमांड शुरू के 20 तारीख से, 20 मार्च से हमने ये शुरुआत से ही कहा है इतने अधिकारियों से, ACS रस्तोगी जी से, कि शेड्यूलिंग जैसे पिछले साल करी गई थी, जो रजिस्टर्ड है किसान उन्हीं को हम नाम देंगे। हमें ये पता है किसान और आड़ती का तो पता ही है आपको, चोरी दामन का साथ है, हमको एक एक किसान की ये पता है कि वो कब उसकी गेहूँ कटेंगे, किस दिन उसकी गेहूँ का आवक होगी, उसी अनुसार उसका हम नाम दे देंगे और वो आ जाएगा लेकर। अब फिलहाल गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ से डाल दिया, चंडीगढ़ वाले को बैठे हैं, उनको ये नहीं पता, अब वो कहते हैं रीशेड्यूलिंग करें। ये जो रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, इनको भी साइबर कैफे पे जाके 50 से 100 रुपये देकर काम कराता। एक दो किसान मंडी में आए भी गेहूँ लेकर, लेकिन उनके पास यहाँ से जो मैसेज नहीं पहुँचा था अब उनको वापस भेज दिया गया। वो जिनके पास नहीं था वो आ गए कि हमको ऐसा करो आप डलवा लो, डलवा कहाँ ले जब तक उनका गेट पास है, पता नहीं, हमें भी नहीं पता चंडीगढ़ से कब उसका नंबर आए, पोर्टल पर कब उसका शेड्यूलिंग में नंबर आए। तो इससे अच्छा तो भाई तू अपना ट्रॉली में ये ले जा वापसी, ज़बरदस्ती जैसे हतीन और ये मंडियाँ हैं हमारी होटल इनमें डल रहे हैं, वो आप बता रहे थे कि भाई वहाँ ट्रॉलियाँ से भरा पड़ी है, मंडी पूरी भरी है, तो हम उसमें क्या क्या दें उनका? यानी कि परेशानी तो उन किसानों को भी होगी जो मंडियों में लेके वहाँ डाल रहे हैं। बिल्कुल, कब आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, कब उनका शेड्यूल में कब आए नंबर, वो तो बेचारे परेशान होंगे, मच्छरों में खाएंगे। होना क्या चाहिए ताकि किसानों को परेशानी ना हो?
शेड्यूलिंग हमारे मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के अनुसार इनको कराया जाए, इससे उनको भी सुविधा होगी, किसानों को भी सुविधा होगी और हमें भी सुविधा होगी। हमको ये पता है कि वो किसान आएगा जिसको नंबर भेजा है, सिंपल।